अदर कर रहा हूँ इंडिया का हो बताओ ना खरीद रहे हैं जो भी समस्या आप लोगों का चल रहा है सभी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने जिंदर साहब ने कहा है कि हम लोग भारत के साथ आपके कोई समस्या कस्टम को उनके द्वारा बता दिया गया कि आप काउंटर का संख्या बढ़ाना है तो बढ़ाइए लोग जब यहाँ पे आए तो अनावश्यक परेशानी नहीं है जहाँ तक रही बात की गाड़ी का या इस संदर्भ में भी बता दिया गया है कि पहले ऐसा नहीं होता था गाड़ी अंदर जाए अनावश्यक पुलिस जाँच घटनाएं हो रही है आपका नेपाल अवगत करा दिया गया है और सभी स्थिति समान आप लोग यहाँ से जाम आप लोग पहले भी यहाँ जाम कर रहे हैं ये जाम करना ही अपने आप की तरफ आपको मालूम है ये इंटरनेशनल सड़क पर नहीं जाम किया जब बात वहाँ पहुँच गई है वो तैयार हैं सहयोग करने के लिए नहीं है नहीं हम करेंगे कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे आपका ऐसा कोई समस्या आपको नहीं है अब आप लोग जाम खत्म कीजिए और वापस जाना आना शुरू करें उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या होता है तो आप हमको बताइए हम फिर समस्या को डायरेक्ट वहाँ आप सीडियो साहब जो करना है सीडियो साहब को सीडियो साहब को बताएंगे अभी हम लोग एंट्री कराने गए हैं तो बोला है तुम लोग जाओ तुम्हारा प्रशासन तुम्हारा गाँव खोल उसको बोलने किस हिसाब से बोल रहा है मुझे पता नहीं चला एंट्री नहीं किया गया एंट्री नहीं किया है सिपाही भी नहीं है सर तो कर्मचारी कर्मचारी है उस पर नहीं जाना उस पर नहीं जाना है बात हम लोग के सामने हम लोग प्रशासन को भी हम दावा सेट रहा है देखिए ये गलत है अभी गए थे क्या अभी जाके सारी बातें नहीं किया यही बात है उतना ही जो बोलते साथ अपने डिप्टी कमिश्नर जो कस्टम यहाँ पे हैं वो भी बात की है दोनों की बात हुई क्या अपने कस्टम ऑफिसर को बताएं ये जो बात अभी आप बता रहे हैं वो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को बता देते हैं ये बात की वो वहाँ पे जो कस्टम कमिश्नर है उसको बता देंगे कि मिसबिहेव कर रहे हैं ये बात अभी हम बुलवा देते हैं प्रशासन गॉड है ना भाई हम लोग प्रशासन को भी अगर मिसबिहेव नहीं करेगा अगर मिसबिहेव करेगा तो हम लोग इस बात को वहाँ कस्टम कमिश्नर को बताएंगे कि हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ एक एक बार में बोलिए लोग एक एक आदमी बोलिए एक एक आदमी बोलिए लोग एक एक नहीं ये बात अभी हम अच्छा सर बोलिए ना एक मिनट हम जिस तरह दुर्दशा किया जाता है सर मान लीजिए कि हम जाते हैं हम अगर हम लोग गलत काम करते हैं चाहे हम लोग का ड्राइविंग चाहे ब्लैक ओनर भी नहीं है तो हम लोग सब देने के बाद हम लोग कुत्ता की तरह हम लोग और वहाँ गाड़ी का अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि कभी लोगों के जानती पर हम लोग मुँह लगा देते हैं तो इंट्री को फाड़ देगा और गाड़ी को ले जाकर वैसे 200 गाड़ी सब सीट किए अरे यार बड़ा बड़ा बोलिए आपको एक साथ मत बोलिए ना और यही बोल के बम है वाली मैं बता रहे हैं कि अभी हम अभी थोड़ा देर पहले पता चला कानपुर से उठा बैठे कर गाड़ी सर नेपाल में गाड़ी के यहाँ एंट्री नहीं हो सकता है थोड़ा एक मिनट होइएगा सर आप लोग दर्शक हैं हंगामा क्यों कर रहे हैं आप लोग नेपाली गाड़ी का भी बिहार भी सुनिए नहीं नाम बता 6 बजे शाम से जा रहे हैं वो हम लोग को बोलता है सुनिए सर उसमें थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा हम बात करेंगे सर
ना कुछ नहीं होता था सर पहले, ये नया नियम लगा सर से, ये एम्बुलेंस एक आदमी बात कर रहे हैं, करने दीजिए फिर बोलिए ना। इस संबंध में आप कभी लिख के सर को पता है? 2011 में एक बार हुआ था सर, 2011 में आज हुआ है ना, आज हुआ है तो आज ही ना बैठेंगे। नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। सर एक मिनट सर, सर इंडिया गवर्नमेंट क्या हुआ है, तुम लोग नेपाली गाड़ी का इंजन नहीं लगा सकता है? एक रिक्वेस्ट है, आप एक आदमी बोलिए कोई टेलीफोन, कोई एक आदमी मेरे नाम में है, जो भी समस्या आती है उसका आवेदन पत्र है। बैठा बानी रुक ना, अभी आएगा ना, बोलिए बतियो ना ओके सर। अरे भैया निकल कर यो हड़ताल लेके ही फर्क पड़ देना। सर देखिए ये काम नया ताजा खबर लेकर बोल रहा है, लो यो हड़ताल से कई फर्क पड़ देना हमारे को। कौन सामने ना लिया हो लगन सामने।